हमारे शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में जहाँ दीगर ट्रांसप्लांट होते हैं, हमारे यहाँ किडनी का ट्रांसप्लांट भी हो रहा है और ये गुज़िश्ता 20 साल से हम लोग यहाँ पे किडनी के ट्रांसप्लांट करते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट दो तरीके से होते हैं। जो हमारे यहाँ जो ट्रांसप्लांट करते हैं हम, उसमें पेशेंट का कोई करीबी रिश्तेदार या उसकी उसकी मियाँ या उसका बीवी, वो उनसे किडनी लेते हैं और फिर पेशेंट को हम लगा देते हैं। इस तरह का दूसरा तरीके कार ये होता है कि अगर कोई बीमार आदमी होता है जिसकी किसी वजह से उसकी ब्रेन डेथ हो जाती है, उस सूरत में भी उस मरीज़ से गुर्दा लेके किडनी फेलियर के पेशेंट्स को लगाया जा सकता है। किडनी ट्रांसप्लांट आम तौर पे तो जो जिन लोगों का किडनी फेल हो जाता है, जो डायलिसिस पे होते हैं, उनका वो लोग करवाते हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा ये भी हो सकता है कि अगर किडनी फेल हो रही है और उसको अगले 2-3 महीने बाद जाके डायलिसिस की ज़रूरत पेश आ गई, तो उसको उस स्टेज डायलिसिस की स्टेज पे आने से पहले ही उसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं। इसको प्रीएम्प्टिव ट्रांसप्लांट करते हैं। प्रीएम्प्टिव ट्रांसप्लांट का फ़ायदा ये होता है कि मरीज़ जो है इतना ज़्यादा सिक नहीं हो पाता कि उसको डायलिसिस की ज़रूरत पे जाए, और उसकी रिकवरी जो है बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है।